गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो उसे भी ऑन कर दो, ऑल कर दो। ठीक है, तो आज एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट बात या फनी भी कह लो, इम्पॉर्टेंट भी कह लो, यार मतलब कुछ लोग बहुत ही पागल होते हैं, मतलब ये जो होता है ना उनमें होता ही नहीं है माइंड, मतलब या तो जलन होती है उनको, जलन हो रही है, या ये नहीं है, या दिमाग काम ही नहीं करता है। तो मतलब लिटरली आज जो घटना घटी है मुझे भी समझ में नहीं आया ये क्या था। तो आज से लगभग, हाँ, 2021 में कुछ बहस हुई थी जिसकी वजह से मैं लड़ाई नहीं चाहता था, तो मैंने 112 पे कॉल कर दिया था, मामले थाने तक गई थी, और थाने में जाके रात में 2-3 बजे तक, वो तो मैं एकदम मूड में नहीं था, उसने हाथ उठा दिया था तो एकदम मैं इसमें नहीं था, नॉर्मल इस चीज़ों में कि मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला था, तो मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। फिर लास्ट में रात में 2-3 बजे, 2:30 बजे तक सब लोगों ने बोला कि चलो सेटल कर लेते हैं। हाँ, तो एक लेटर लिख के हम लोग मान गए, ओके हो गया, चलो ठीक है भाई। उस दिन से वो अपने राह, मैं अपने राह तो चल ही रहा था, वो भी अपने राह। तो लिटरली वो बेईमान बंदा है, तो कुछ चीज़ें बेईमानी की है वो डिटेल में अब क्या ही बताऊँ, और ना मैं उससे बात करता हूँ ना उसके तरफ, कोई मतलब ही नहीं है मुझे। लेकिन आज फिर से भगवान ने टकराव करवा दिया, भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं। आज मैं तो मार्केट गया हुआ था, निधि अद्वित को छोड़ने के लिए, बैडमिंटन खेल में छोड़ने के लिए जा रही थी, तो मैंने गाड़ी लगा दिया था, तो निधि ने क्या किया ना, गाड़ी को बैग लेके कट निकाल के जा रही थी, तो क्या वो उसकी गाड़ी में जाके टच होके स्क्रैच आ गया उसकी गाड़ी में। निधि तो वहाँ से चली गई, इसने मुझे फ़ोन कर दिया, हम लोग ठीक है जो होगा देख लेंगे। देन हम लोग की बिल्डिंग का एक ग्रुप है, उसमें मैसेज आता है कि मेरी वाइफ ने, मतलब मेरा नाम लिख के, मेरी वाइफ ने मेरी कार ठोक दी है, इसका क्लेम देना पड़ेगा नहीं तो मैं थाने जा रहा हूँ। मैंने मैसेज पढ़ा तो मैंने बोला बाई मिस्टेक, गलती से लग गया होगा, लग गया तो जो भी खर्चा होगा, उचित खर्चा होगा, वो मैं पे कर दूँगा। मैंने ऐसा बोल के ये भी लिख दिया कि अगर थाने जाना है तो थाने जा सकते हो, उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये लिख के मैंने मैसेज छोड़ दिया, वहाँ पे वो बातें ख़त्म हो गई ना, उसके बाद उसका कोई मैसेज आया ना मेरा मैसेज, मैं घर आ गया, मतलब थोड़ा लेट ही घर आया, तो और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा चाय पिया, बैठा रहा, 9 बजे के आसपास मैं चला गया सेविंग करवाने। जब सेविंग करवाने गया तो मेरे पीछे से एक पुलिस वाला आया, वो लोग लेके आए, मतलब मेरे घर पे पुलिस वाला आता है, वो निधि बताएगी, निधि से बातचीत हुई है डायरेक्टली, तो वो निधि बताएगी क्या बातचीत हुई डायरेक्टली, वो सही से एक्सप्लेन करेगी। मैं तो निधि जो मुझसे बोली वही मैं बता सकता हूँ, लेकिन निधि के साथ अब पुलिस वाला, एक तो रात के 10 बज रहे हैं, 10 बजे रात को पुलिस वाला आता है और लेडीज़ से बात करता है, और ऊपर से उसका जो दोस्त होता है वो निधि से क्वेश्चन कर रहा, तमीज़ नाम की चीज़ है नहीं उनमें, वो तो मैं था नहीं, उनको मैं तमीज़ सिखाता अच्छे से। निधि आओ जरा बताओ क्या बोला है, आओ बैठो। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज क्या बोल सकती हूँ कि बाय मिस्टेक मेरे से लग गई गाड़ी आज। अब गाड़ी अब चलती है रोड पर तो लग ही जाती है, और बाय मिस्टेक ही लगी थी, मैंने जानबूझ के तो नहीं मारी थी, बट ठीक है, जो हो गया हो गया। तो अब रात को पुलिस वाले आए, पहले तो वो मुझसे पूछते आप ही हो अकेले घर में, मैंने कहा हाँ, कोई जेंट्स नहीं है, मैंने कहा नहीं, हस्बैंड गए हुए हैं काम से। अच्छा, तो गाड़ी आप ही चला रहे थे? तो मैंने बोला हाँ, गाड़ी मैं ही चला रही थी। तो आपसे ही लगी? मैंने कहा हाँ, मेरे से ही लगी, बाय मिस्टेक लग गई, मैंने जानबूझ के तो नहीं मारी। तो आपने सॉरी बोला इनको? तो मैंने कहा सॉरी किस बात के लिए बोलना है, लग गई, हस्बैंड से मैसेज पे बात हो गई कि हम लोग जितना भी होगा उचित आपको दे देंगे, तो फिर मैं किस बात की सॉरी बोलूँ? तो पुलिस उल्टा मुझसे फिर से पूछती कि आपकी नज़र में बोलना नहीं चाहिए था आपको सॉरी? तो मैंने कहा सॉरी किस बात की, जब बात ही ये हो गई कि हम लोग पे कर देंगे तो फिर हम सॉरी किस लिए बोलें? तो ऊपर से फिर उसका एक दोस्त था, एक्चुअली मैं उसके लिए मैं तमीज़ से बात नहीं कर सकती, सॉरी। तो उसका एक दोस्त था, वो मुझसे बोलता हस्बैंड कहाँ है? तो मैंने कहा हस्बैंड गए हैं काम से, आप कॉल करके बुलाओ। तो मैंने बोला मैं क्यों बुलाऊँ, पुलिस के सामने मैंने ऐसे ही बोला कि मैं क्यों बुलाऊँ, वो काम से गए हैं तो फिर मैं क्यों बुलाऊँ उनको? तो वो चुप हो गया। तो पुलिस ने बोला कि भाई ठीक है, जब वो बोल रहे हैं कि हम पे कर देंगे तो आप कल बुलाइए तो हो जाएगा पे। तो उसका जिसकी गाड़ी लगी उसने बोला हाँ, कल हम हुंडई वाले को बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप बुला लीजिए हुंडई वाले को।
तो पीछे से उसकी वाइफ बोली, क्योंकि फेस टू फेस वो दोनों आपस में मतलब फेस टू फेस वो लोग हमसे बात नहीं कर सकते, तो वो पीछे खड़े हुए थे, तो पीछे से खड़े होकर बोलती, उन्होंने मैसेज में लिखा है उचित। तो मैंने कहा उचित जितना होगा हम उतना ही देंगे ना, अब आप बोलोगे कि हमें लाख रुपए दे दो तो हम लाख रुपए तो नहीं दे सकते ना, और उतना तो हम देंगे भी नहीं, तो जितना होगा हम उतना दे देंगे। मैंने कहा ठीक है आप हुंडई वाले को बुला लो जी, जो होगा हम लोग पे कर देंगे। इतना बोल के पुलिस भी चली गई और मैंने डोर बंद कर, उससे कहीं ज्यादा पैसा तो मेरा मार के बैठा है वो। बस इतनी सी बात थी, अब वही होता है कि जिसमें कॉमन सेंस होती है वो, अब गाड़ी चल रही है तो चलते चलते लग भी जाती है, बट अब उसमें ये चीज नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा इशू नहीं था कि वो पुलिस तक जाए, बट एक्चुअली हमसे थोड़ा सा उसका वो है, तो उसको लग रहा था कि मैं उससे सॉरी बोलूं, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने वो किया था तो उसने हमसे सॉरी बोली थी, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम उससे सॉरी बोले, तो जब बात ही क्लियर हो गई तो फिर सॉरी किस बात की। या तो पैसा ले ले या तो सॉरी बुलवा ले, कुछ एक करवा ले, मतलब तुझे ज्यादा हो रहा है। मैं सामने आया था, मेरे सामने से गया, मुझे तो कुछ नहीं बोला। मेन मकसद वही था कि पुलिस को बुलाऊंगा, हम लोग डर जाएंगे, हम लोग उसको सॉरी बोल देंगे, किस बात की सॉरी, मैंने खून तो किया नहीं था किसी का। यार रोड पे गाड़ी चलती है लगती है, मेरी गाड़ी कितनी बार पीछे से लोग मार देते हैं, मुझे पता है मेरे पास इंश्योरेंस है, ज्यादा लगेगा मैं इंश्योरेंस में दे दूंगा, क्यों लड़ूं किसी से, क्यों खून जलाऊं। यार दो चार पाँच हज़ार रुपये है तो ठीक है दे देंगे, दिक्कत प्रॉब्लम आती रहती है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, लेकिन अगर वो बदतमीजी भी आएगा तो फिर तो एनी हो, कुछ भी नहीं। यही था कहानी, तो सोचो भगवान भी कैसे कैसे पीस को बनाते हैं, एग्जैक्ट नमूना पीस है इसको ना, म्यूजियम में रखने वाला पीस है। उसने जो वीडियोस भेजी है वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में, इसमें जो वीडियो भेजे हैं और वो भी फोटो भी भेजेंगे जो उसके उसमें स्क्रैच लगा है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा स्क्रैच लगा है, बट इतना भी नहीं लगा कि वो पुलिस केस बन जाए। अब पुलिस इसमें करेगी क्या, ले जाए मेरी गाड़ी भी ले जाए, उसकी गाड़ी भी ले जाए, ज्यादा से ज्यादा वो बंद कर देगी दोनों, मेरी गाड़ी ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है, भगवान ने इतना हिम्मत दिया है फिर बना लूंगा मैं चीजों को, मुझे कोई टेंशन नहीं है। दूसरों को जो लेके मार के खाते हैं ना उनको टेंशन होना चाहिए, मुझे नहीं, कोई नहीं। चलो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, प्रॉब्लम जो थी बताया आप लोगों को, आप लोग फोटो देख के कमेंट जरूर करिएगा कि कितना बड़ा इशू था ये। हाँ ये चीज़ बताना जरूर कमेंट करके क्या था इसमें, कुछ जब मैंने पे करने के लिए बोल दिया तो कोई इशू बनता था क्या। एनी हाउ चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना, ऑन कर देना, ऑल कर देना, बाय बाय, गुड नाइट, कमेंट जरूर करिए, कमेंट जरूर करना।